अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये हम लोग सहरी के लिए उठे और आज है 7th रोज़ा, है ना। 7th रोज़ा है। कल हम लोग दुबई मॉल गए हुए थे और रात में बहुत लेट सोए, 2-3 बजे सोए। अभी 4:30 हो रहे हम लोग उठ गए। तो ये हमारी सहरी है, आधी नींद में है अभी। तो सहरी करते हैं, फिर सुबह उठ के इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। एक ऑमलेट और ये खा रहे हैं सब पराठा, ये लेफ्ट ओवर अलबेक है, और एक कुकी लिए थे वो। तो मिलते हैं आपसे सुबह में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अभी बच रहे हैं 4 और आज का 6th या 7th रोज़ है। और मैं थोड़ा जा रही हूँ टेलर के इधर काम से, और फिर कुछ चीज़ें लेनी है मुझे, तो वो ले लेंगे और फिर घर पे आएंगे इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। आज कुछ बनाई नहीं हूँ मैंने, जो फ्रीज़र में रखा हुआ था बस मैं वही आज फ्राई करने वाली हूँ। बिकॉज कल हम लोग दुबई गए हुए थे तो रात में सब लेट हो गया, तो आज हम लोग बहुत थक गए थे, तो इसलिए कुछ बनाए नहीं, तो जो है वही फ्राई करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे। हमारे घर के नज़दीक की मस्जिद है, यहाँ इफ्तारी के लिए सारे वेट कर रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ सबकी इफ्तारी होती है। लोबज़ा बन के रेडी हो चुका है, फ्रूट कस्टर्ड भी तैयार है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। अभी आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें मैं फ्राई करने वाली हूँ जो मैंने फ्रीज करके रखी थी, कि आज मैंने कोई कुकिंग। ये शामी कबाब है, आज ये फ्राई होंगे एग में डिप करके। यहाँ थोड़े से समोसे हैं, ये हम इंशाल्लाह फ्राई करेंगे। और ये जो शाही रोल मैंने बनाई थी चीज़ वाले चिकन के, वो अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेक करना, बहुत अच्छे बनते हैं माशाल्लाह। तो मैंने फ्रीज करके रखी थी इसको, 1 घंटा पहले मैंने निकाल के रखी हूँ। यहाँ दोनों जगह पे ऑयल रेडी है, यहाँ पे हम शामी कबाब इंशाल्लाह एग में डिप करके फ्राई करेंगे। तो वो ऑयल में अलग ही रखती हूँ बिकॉज एग उसमें यूज होता है। और यहाँ पे हम समोसे और शाही रोल फ्राई करेंगे। और यहाँ मैंने फ्रूट्स भी कट करके रखी हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कीवी और मस्क मेलन आज हम लोग लेके आए थे, खरबूजा तो वो भी कट, मैंगो भी है माशाल्लाह से। और यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्रूट कस्टर्ड भी रेडी है, इसको अभी नहीं निकालेंगे, 10 मिनट पहले निकालेंगे। अभी हम शामी कबाब के लिए 2 अंडे निकाल लेते हैं। चलिए तेल रखते हैं गर्म होने के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल को पहले फास्ट पे गर्म करने का और फिर बाद में उसको मीडियम कर देना जब तेल गर्म हो जाएगा अच्छे से। आज मैं जल्दी आ गई किचन में कि फटाफट मेरा भी काम हो जाए इंशाल्लाह। चलिए पहले एग को क्रैक कर लेते हैं, एग हमारे कहीं नीचे न गिर जाए। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल नहीं करने वाली, बट ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छा है ना, सर डिफरेंस है, लुक आता है। तो इसको अभी हम ब्रेक कर लेंगे, अच्छे से विस्क करेंगे। अभी थोड़ा स्लीव्स ऊपर कर लेंगे, बिस्मिल्लाह बोलेंगे, एक एक ऐड करेंगे। और आइए यहाँ पे अच्छे से इसको डिप करेंगे, आप चाहिए तो हाथ से भी कर सकते हैं, मैं हमेशा स्पून से करती हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा गैस को करेंगे फास्ट और फटाफट करके सारे डाल देंगे, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए अभी समोसे भी फ्राई कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग छोटा सा होगा तो मैं आज और कल का ब्लॉग कंबाइन करके ऐड करूँगी इंशाल्लाह। तो फटाफट समोसे फ्राई कर लेंगे इंशाल्लाह, बहुत टाइम है वैसे तो, आज जल्दी करके जल्दी रहना है। और यहाँ हमारे कबाब भी फ्राई हो रहे हैं, अभी कबाब को फ्लिप करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा से गोल्डन सा कलर आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है बिकॉज कबाब तो हमारे फुल कुक है, बस उस अंडे को ही हमें कुक करना है। और जो अंडा बच जाएगा लास्ट का सारे कबाब डालने के बाद, उसका ऑमलेट बना लेंगे, उसको भी खाने बहुत मज़ा आती है। शामी तो आप थोड़े डेलिकेट भी रहते, थोड़ा आराम से करें तो अच्छा है।
चलिए इसको होने देते फिर मिलते हैं आपसे आगे। कच कबाब के साथ हम पाव खाने वाले, कल वड़ा पाव के लिए हमने 2 पैकेट लाए थे तो हमारे 1 पैकेट है अभी भी, तो इसको यूटिलाइज करने के लिए आज हम कबाब फ्राई कर रहे हैं। हमारे कबाब हो गए तो बिस्मिल्लाह बोल के कबाब को निकालते हैं। ये नॉनस्टिक वाला स्पैचुला ना, इस पे कभी भी मेरे तो सही से चीजें निकलती नहीं है। ये देखिए मैं स्मूथली निकल रहा है। चलिए बाकी के भी फ्राई करते हैं फिर आपसे दस्तरखान पे मिलते हैं। तो ये हमारी इफ्तार हो गई है रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था मेरा आज का वीडियो, इंशाल्लाह मैं कल का व्लॉग भी सेम इसी वीडियो में ऐड करूँगी बिकॉज आज की हमारी वीडियो छोटी है। तो फिर इंशाल्लाह आपको कल मिलता है। होप आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आ गई किचन में और आज है 8th रोज़ा, मैं 7th और 8th रोज़े का वीडियो कम्बाइन करके डालूँगी इंशाल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन KFC स्टाइल बर्गर्स घर पे। तो 2 ही बर्गर्स बना रही हूँ तो इसलिए मैंने हाफ 400 ग्राम्स बोनलेस का भी मैंने हाफ ली हूँ, सिर्फ 2 फिले लूँगी मैं ऐसे, और ऐसे कट कर ली हूँ मैंने उसे। तो इसको मैरिनेट करके रखते हैं, अभी आई गेस 3 बज रहे हैं, हाँ 3 बज रहे हैं अभी। तो इसको थोड़ा मैरिनेट करके रखते हैं फिर डायरेक्ट हम जब इफ्तारी तैयार करेंगे तभी इसको हम फ्राई करेंगे। तो अभी इसे थोड़ा सा हम ईजी मैरिनेशन है एकदम, चलिए इसको मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून से भी कम ही है बिकॉज कम चिकन है। फिर उसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट मैं रमज़ानों में ना थोड़ा कम ही डालती हूँ बिकॉज अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, एक तो इतना दिन का रोज़ा रहता है और फिर सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो इट विल नॉट टेस्ट गुड और मज़ा भी ख़राब हो जाएगा। साथ में अभी ले रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून से भी कम ब्लैक पेपर पाउडर। इसकी मैरिनेशन मैं एकदम सिंपल करती हूँ लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है माशाल्लाह और बहुत अच्छे बनते हैं। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डालूँ, आपके पास अगर पैप्रिका पाउडर है तो आप पैप्रिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मेरा फिलहाल ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, ये तीखी कम होती है। तो अभी इसमें सब कुछ ऐड हो गया है हमारा, अब इसको मैं मिक्स करके रख दूंगी फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए और फिर डायरेक्ट इसको हम शाम में ही कुक करेंगे। इसकी कोटिंग भी मैं बहुत सिंपल से ही बनाती हूँ, जैसे ऑल पर्पज़ फ्लावर मैदा हम लेंगे, अंडे में डिप करेंगे, फिर मैदे में डिप करेंगे एंड देन हम इसे फ्राई करेंगे। सिंपल सा ही रखती हूँ मैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ें नहीं बनाती मैं। डिश भी मेरी रेसिपीज भी आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे तो सिंपल ही रहती है कि ज़्यादा ना तामझाम नहीं और घर के चीज़ों से मोस्टली बन जाती है। और ये बर्गर्स के साथ हम एक बहुत अच्छा सॉस भी बनाएंगे, मेयोनीज और केचप वगैरह यू नो मिक्स करके। आलू भी बॉईल करने रखी हूँ, 1 बड़ा आलू बॉईल करने रखी बिकॉज पानी पूरी की कुछ पूरी मेरे पास बची हुई है तो फिर मैंने सोची उसका दही पूरी बना लेते, तो फिर उसके लिए आलू भी बॉईल कर रही हूँ मैं भी। और फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट शाम में जब हम इफ्तारी की पूरी तैयारी करेंगे। हाँ, तभी मैंने लैपटॉप भी ऑन कर ली हूँ, मैं कल वायर लेके आई थी नो केबल वायर फ़ोन के लिए सो दैट मैं अपने सारे जो फ़ोन के वीडियोस और व्लॉग्स है वो लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकूँ बिकॉज़ फ़ोन में फिर पूरा यू नो मेमोरी फुल हो रही है और न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए फिर जगह नहीं हो रही है। और जो मेरा ये वाले फ़ोन का नो चार्जर है, मतलब ये 14 Pro Max है, इसका जो चार्जर है वो लैपटॉप पर लगता नहीं है, तो मैं इसके लिए पुराना आईफोन का जो केबल रहता है USB वाला वो कल लेके आई यही नीचे से। तो फिर अभी बैठ के मैं सारे यू नो डाटा लैपटॉप में मेरे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं। हाँ, काम रहता है पूरे दिन तो थकान थोड़ी हो जाती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताकत देता है, अल्लाह ताकत और हिम्मत देने वाला है तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है सब, खुशी खुशी हम कर लेते। यही तो हमारी लेडीज़ की प्लस पॉइंट है कि सारे काम इबादत हर चीज़ हम खुशी खुशी नो बिना कोई कंप्लेन किए बिना थके करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए फिर आपसे शाम में मिलते हैं, अभी वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर लेती हूँ तो इंशाल्लाह अब डायरेक्ट इफ्तारी की तैयारी पे ही मिलते हैं।
सो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में। अभी 5:30 होके गए हैं, तो फिर मैंने सोची चलो बर्गर का और कोल्सलो का जो सॉस है वो रेडी करके रखते हैं। तो इसमें कोल्सलो का सॉस बनाऊंगी, वो तो सिंपल सा है, सबको ही पता है। उसमें मेयोनीज जाएगा और शुगर जाएगी, उसको मिक्स करके रखूंगी। साथ में हम बर्गर के लिए जो सॉस बनाने वाले हैं वो बनाते हैं, उसमें जाएगा मेयोनीज एंड मैगी का हॉट एंड स्वीट सॉस। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने समोसे फ्राइज और नगेट्स भी निकाल के रखी हूँ, तो इंशाल्लाह 6 बजे इनको फ्राई करने के लिए ले लेंगे, सो दैट जल्दी से हो जाए और फिर हम दुआ के लिए भी बैठ सके। तो ये मिक्स करके रखते हैं और फिर दही पूरी पे जाते हैं। उसका आलू मैंने बॉईल करके रखी थी यहाँ पे, तो इसमें चाट मसाला डालेंगे, इसको रेडी करके रखेंगे। सारी चटनी तो रेडी है, बस हमें उसको प्लेट करना है। तो चलिए फिर सॉस ऐड कर देते हैं ये वाले, इसमें जो हमें बर्गर्स में लगानी है, चिली गार्लिक सॉस, सॉरी हॉट एंड स्वीट सॉस है ये, और ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट केचप है ये, बहुत यमी लगती है मुझे। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं, फिर मिलता है आपसे आगे। तो ये हमारी दोनों सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, ये हम बर्गर्स के अंदर लगाएंगे और साथ में थोड़ा कोल्ड स्लॉ भी हम डालेंगे बर्गर्स में। इसके अंदर अभी मैं लेटस डालूंगी और कैरेट डालूंगी, अभी मैंने मंगाई हूँ तो अभी आएंगा वो। फिर मैं इसमें कैरेट और लेटस ऐड करूँगी। इसके चिकन के लिए मैंने यहाँ पे एग क्रैक करके ले ली हूँ, इसमें भी मैं थोड़ा सा ना रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। कोटिंग के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा मैदा, ठीक है। इसमें थोड़े से मैं ब्रेड क्रम्स ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून, और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे। ऑयल मैंने गरम करने रखी हूँ और मेरे पास समोसे भी फ्रीज किए हुए थे, तो वो भी मैंने आज निकाली हूँ फ्राई करने के लिए। तो अभी फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वरना फिर ना बहुत लेट हो जाता है और टाइम का फिर अंदाज़ा ही नहीं होता, बिल्कुल टाइम ऐसे भागता है कि पूछो मत। तो यहाँ फटाफट से पहले समोसे फ्राई कर लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद हम फ्राइज को फ्राई करके रख देंगे, एंड देन जो ब्रेडिंग वाली चीज़ें है मतलब जिसपे कोटिंग है, जैसे हमारे नगेट्स ब्रेड की कोटिंग है, अभी हमारे बर्गर के इस पे भी कोटिंग है, फिर उसको लास्ट में फ्राई करेंगे बिकॉज फिर सारे ब्रेड क्रम्स ऑयल में निकल जाते हैं, तो दूसरी चीज़ों पे फिर वो लग जाएंगे इसलिए। तो चलिए फिर बताते हैं आपको जैसे जैसे फ्राई करते हैं। अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ पहले, तब तक मैं दही वड़ी की तैयारी कर लेती हूँ। दही में शक्कर को मिक्स करके मैंने फ्रिज में रखी हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए, उसको असेंबल करते हैं आपको दिखाते हैं। पूरी की तैयारी कर लेते हैं फटाफट। यहाँ आलू में मैंने चाट मसाला डाली हूँ, उसको बस थोड़ा सा हल्के से मिक्स कर लेंगे। यहाँ समोसों को मैं फ्लिप कर देती हूँ, साइड बाय साइड सारा काम चालू है। असल के बाद तो टाइम बहुत फास्ट चला जाता है, इसलिए सब तो जल्दी जल्दी कर लो, फिर दुआ में भी बैठना है। स्लीव्स आज मेरे सारे नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ आलू की फिलिंग कर लेंगे जल्दी से। अब मैं डाल रही हूँ चटनी दही पूरी पे, फ्राइज हो रहे फ्राई, ये वाला बैच हो जाएगा फ्राइज का, फिर मैं बर्गर की चिकन डाल दूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे डाल रहे थोड़ी सी मीठी चटनी, दही को मैंने फेंट के रखी थी शुगर डाल के, तो इसको बिस्मिल्लाह बोल के मैं ऐड कर दूंगी। शुगर अच्छा मीठा मीठा दही अच्छा लगता है दही पूरी के ऊपर, तो पूरा ही डालूंगी इंशाल्लाह मैं। थोड़ा सा और यू नो बूंदी स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। और ये जो आलू बच गए हैं इसको भी चाट टाइप बना देंगे। बिस्मिल्लाह थोड़ी सी चटनी ड्रिजल करेंगे। ओके बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, टेंटिंग लग रहा है। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी माशाल्लाह, और जो हमारे पास दही वड़े का स्प्रिंकल है
जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी जब मैंने दही बड़ा बनाई थी, तो ये वाला भी थोड़ा इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। तो माशाल्लाह दही पूरी हमारी रेडी हो गई है, इसको बाहर लेके जाके रेडी कर रख देंगे फटाफट। देखिए कितना प्यारा लुक आया इसका माशाल्लाह। दही पूरी मैं किचन में लेके आ गई बिकॉज मुझे याद आया मेरे पास, थोड़ी वो भी ऐड करते हैं तो और एकदम स्ट्रीट स्टाइल दही पूरी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह, और अच्छा लुक आ गया इसका। चलिए इसको लगते हैं बाहर। ये जो बगली चिकन है वो फ्राई कर देते हैं, इसको एग में डिप करेंगे अच्छे से, और फिर जो मैदे की कोटिंग हमने बनाए हैं उसमें इसको ऐड कर देंगे फटाफट। दोनों साइड से अच्छे से इसको कोट करेंगे, इसको डस्ट करेंगे, जो मैदा एक्स्ट्रा है वो सारा मैदा निकाल देंगे और इसको बिस्मिल्लाह बोल के फ्राई करने डाल देंगे। इस सेकंड को भी सेम ऐसे ही करेंगे, एग में डिप करेंगे फिर कोटिंग में डिप करेंगे। अच्छे से प्रेस कर करके कोटिंग हमें लगानी है, झटक देंगे और फिर डाल देंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, एंड में मेरी बैटरी फ़ोन की डेड हो गई थी तो मैंने बाकी का शूट नहीं की, बट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।